सोलो फ्रेंड आज जो करने वाले स्टाइप की जो फेस उन फोटो एडिटिंग, अगर लोग अगर स्टाइप की जो फेस उन एडिटिंग सीखना चाहते हैं इजिली डिजिटल रास्ता देखिए, अब जो कुछ स्टाइप की जो एडिटिंग जो है इजिली कर पाए, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं नॉर्मल फोटो, इस नॉर्मल फोटो का सबसे पहले हम लाइटर एप्लीकेशन शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आ चुके जो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले लाइट पर जो है क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके शेडो को जो है ना, शेडो को जो है बढ़ा देना है यहाँ पर, ठीक है। हमारे फोटो बिल्कुल जो शेडो नहीं है तो उसके शेडो को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसकी जो हम हाईलाइट्स को कम कर देंगे, ठीक है, इतना जो हम कम कर लेते हैं। और इसकी जो है कॉन्ट्रेस्ट को कम कर लेंगे, ठीक है। और इसकी ब्लैक को कम कर लेते हैं और इसके व्हाइट्स को भी हल्का सा कम कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल इस टाइप से कर लेना है। और उसके शेडो को जो है 100% हम कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल इस टाइप से। और इसको जो हम बैक कर लेंगे और अब जाएंगे कलर्स पर, ठीक है। और अब जो हमें जो है मिक्स पर जो है क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के शेप चेंज को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। और उसकी नेमिनेस को हल्का से भी बढ़ा देंगे, ठीक है। अब जाएंगे दूसरे कलर पर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद जो आपके नेमिनेस को बढ़ा देंगे, ठीक है, इस टाइप से हम नेमिनेस को बढ़ा देते हैं और उसके शेप चेंज को हल्का से कम कर लेते हैं, ठीक है। हम जो इतना कर लेते हैं, अब जाएंगे दूसरे कलर पर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद इसकी ह्यू को जो है, ह्यू को जो है माइनस कर देना 100%, ठीक है। इस टाइप से माइनस करेंगे तो आप लोग फोटो देखना कितना मस्त लगता है, ठीक है। और शेप चेंज को हल्का सा माइनस कर देंगे, ठीक है। हम जो इतना कर लेते हैं और इसकी जो है लुमिनस को बढ़ा देंगे, ठीक है, बिल्कुल इस टाइप से बढ़ा देता है। और इसका जो है ह्यू को माइनस कर देंगे और इसका जो है शेप चेंज को कम कर देंगे। और इसका भी जो हम शेप चेंज को बढ़ा देते हैं और इसका भी जो है शेप चेंज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इस टाइप से जो इसका कम कर लेते हैं और इसको भी जो हल्का सा कम कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप से कर लेंगे तो आपको फोटो देखना कितना मस्त लगता है, ठीक है। तो इस कलर को जो है हम इसका जो है नेमिनेस को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हमारा फेस देखना कितना अच्छा लगता है। इसको जो डन कर लेंगे यहाँ से और इसको जो बैक कर लेंगे तो आप जाएंगे इफेक्ट पर, ठीक है। और इसका जो क्लियरिटी को बढ़ा देते हैं और इसके जो टेक्चर को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। और जो इसकी इसको भी हल्का सा बढ़ा देते हैं और जो इसकी विग्नेट है ना, विग्नेट को भी हल्का सा कम कर देंगे, ठीक है। और इसको भी हल्का सा कम कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये लोग फोटो को देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते कितना मस्त लग रहा है। तो हम जो है इस फोटो को शेयर कर लेते हैं जो है सनासर एप्लीकेशन के अंदर। तो हम आज जो सनासर एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा यहाँ पर आने के बाद जो हम टूल्स पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और इसको जो हम टू न्यूज पर जो क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हम MBS को बढ़ा देंगे, ठीक है। और इसका जो है हाईलाइट्स है ना, हाईलाइट्स को थोड़ा कम और इसका जो शेडो को थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। और इसके हाईलाइट्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसके जो है हम कॉन्ट्रेस्ट को जो है हल्का सा जो है बढ़ा देंगे इस टाइप से, ठीक है। और इसका जो है हम इसको डन कर लेंगे, ठीक है। और हम जाएंगे आप क्लियरिटी पर, ठीक है, यहाँ डिटेल्स पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो क्लियरिटी को बढ़ा देंगे अपने फोटो का, ठीक है, इस टाइप से बढ़ा लेते हैं और इसको डन कर देते हैं। तो अब लोग फोटो देख सकते कितना मस्त लग रहा है, लेकिन जहाँ पर ब्लैक है इसका जो है सिलेक्ट टूल का यूज़ करना है, ठीक है। मैं हमेशा जो फोटो में बताते रहता हूँ, ठीक है, अगर आपको जहाँ पर ब्लैक है उसका जो है सिलेक्ट टूल का यूज़ कर सकते हो तो आपका फोटो बिल्कुल ही मस्त लगेगा, ठीक है। बिल्कुल इस टाइप से कर लेना है, ठीक है। तो तभी तक ना फोटो कितना मस्त लगता है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते कितना मस्त लग रहा है। तो अब जो इस फोटो को शेयर कर लेंगे ऑर्डर डेस्क एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। हम जो ऑर्डर डेस्क एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं, तो हमारे जो ऑर्डर डेस्क एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पर आने के बाद जो हम इसको फेस ऑन करेंगे, ठीक है। और फेस ऑन करने के लिए ब्रश पर क्लिक करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको जो है इस वाले ब्रश को जो सिलेक्ट कर रहा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और ऐसे सेटिंग पर जाना है और इसका जो है इसका जो इतना रख लेना है, ठीक है। मैं जो इतना रख लेता हूँ देख सकते हो, मैं जो इसको 12% रख लेता हूँ, तो देख सकते हो हमारा जो 12% हो गया है, सेम रखना है, ठीक है। और इसका जो फोटो को जूम कर लेंगे, ठीक है। और जूम करने बाद जो आपको साइज को देख लेना है, ठीक है, अपने फोटो के हिसाब से मैं जो इतना रख लेता हूँ। और हम जो इस तरह से जो फेस जूम कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो कितना अच्छे से जो फेस जूम हो रहा है, ठीक है। आपको जो कुछ इसी टाइप से करना है, ठीक है, आपको जो अगर इस टाइप से करोगे तो आपका फोटो में ब्लैक ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। ये बात को हमेशा जो है रख लेना, ठीक है। ऐसे कभी जो फेस जूम मत करो, ठीक है, नहीं तो ऐसा जो ब्लैक ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। इसको बैक कर लेते हैं हम। फेस जूम कैसे करना है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर जो है इस टाइप से लाइन है ना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारा लाइन है, एक एक चीज़ को क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन है ना, तो आपको जो है इस टाइप से नहीं करना है, यहाँ से पकड़ के ऐसे नहीं लेना है, आपको जो है इसी टाइप से जो स्मूथ करना है, ठीक है, इसी टाइप से स्मूथ करना है, एकदम एकदम, ठीक है, इसी टाइप से स्मूथ करना है। तभी जो आपको जो है रियलिस्टिक से फेस स्मूथ होगा, ठीक है। मैं जो आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। और इसी टाइप से हम ब्रश के साइज को कम कर लेते हैं और इसी टाइप से इसी लाइन को जो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, देख सकते हो। अब जो हमारे फेस स्मूथ बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है, लाइन को जो क्लियर आ रहा है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं जो क्लियर करके दिखा देता हूँ, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लाइन जो हमारा क्लियर हो रहा है, ठीक है, इसी टाइप से। हम जब इस टाइप से करेंगे ना, हम लोग फोटो देखना कितना मस्त लगता है, ठीक है।
देख सकते हो बहुत ही, जहाँ पर लाइन है ना उसी टाइप से करना है। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा लाइन है ना, जिस टाइप से लाइन है आपको उसी टाइप से एडिट करना है, मेरी बात को समझ रहे हैं आप, जिस टाइप से लाइन है उसी टाइप से करना, आपको फोटो देखना कितना मस्त लगता है। ठीक है, मैं जो इस टाइप से करता हूँ और आपको फोटो दिखता है, फोटो देखना कितना मस्त होता है। ठीक है, मैं जो पहले इस टाइप से कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, और तब तक लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैं जो जल्दी से इसको कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो फेस करना जो कितना अच्छी तरह से जो हो गया। ठीक है, अगर आप इस टाइप से पहले एक बार ब्रश कर लेना। ठीक है, और एक बार और ब्रश करना होगा आपको। ठीक है, स्मूथ करने के लिए, एकदम बेस्ट स्मूथ करने के लिए, और इसका जो इस साइज को जो काम कर लेना। ठीक है, इसका जो है इस सबसे 7% इसको रख देंगे। ठीक है, दोनों को। ठीक है, और रखने के बाद फिर से आपको थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर जो स्मूथ कर लेना होगा। ठीक है, हम जो इस टाइप से स्मूथ कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से ऊपर ऊपर स्मूथ कर लेंगे तो अभी जो आपका फोटो बिल्कुल मस्त लगेगा। ठीक है, मैं जो पहले इस टाइप से कर लेता हूँ। ठीक है, और जितना भी लाइन था ना आपका जो हट जाएगा। ठीक है, ब्रश करने के बाद जितना लाइन था वो जो हट जाएगा, इसको हमेशा जो काम कर लेना। ठीक है, और हमेशा जो एक दो बार ब्रश करना। ठीक है, फेस के ऊपर, तभी जो आपको फोटो मस्त लगेगा। तो मैं जो इस टाइप से कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो इस टाइप से भी कर लूँगा। ठीक है, हल्का हल्का, मतलब जहाँ पर है ना वहाँ पर जो आपको हल्का हल्का सा कर देना। ठीक है, तभी जो आपको फोटो बिल्कुल मस्त लगेगा। ठीक है, अभी आप लोग फोटो को देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है ना, तो इसी टाइप से करोगे तो आपको फोटो भी मस्त लगेगा। ठीक है, हम जो पहले इस टाइप से कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा हो गया, तो अब जो हमें लिप्स का जो है कलर देना। ठीक है, यहाँ पर जो हम प्लस ब्लैक एंड पर क्लिक कर लेंगे और ब्रश पर क्लिक कर लेना, लाइब्रेरी पर जाना है, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना है, ट्रेडिशनल पर ब्रश को लेना है। ठीक है, कलर को जो है रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है, उससे फोटो को जूम कर लेंगे और जो है हम जिसको ब्रश कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल इस टाइप से, बिल्कुल इसी टाइप से कर लेना है, तभी जो आपको फोटो देखना कितना मस्त लगता है। ठीक है, मैं जो ट्रिक बताता हूँ एकदम जेन्युइन ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, एकदम इस टाइप से करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो क्लिक करके जो इसकी जो है ओपेसिटी को कम कर लेना। ठीक है, बिल्कुल इस टाइप से कर लेंगे, और ओपेसिटी को कम करने के बाद जो है हम हल्का से इस टाइप से कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम इसका जो कलर को चेंज कर देंगे। ठीक है, जो कलर को रखना चाहते हो उस कलर को रख सकते हो। ठीक है, तो मैं जो कोई सी एक कलर को भी सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, जिस कलर को मुझे अच्छा लगता है उस कलर को जो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, तो मैं जो इसको डन कर लूँगा। ठीक है, और डन करने के बाद आप लोग फोटो देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जो है कम बन गया है, तो अब जो है इस फोटो को जो हमें सेव करके जो लाइट में एप्लीकेशन दोस्तों शेयर कर लेना होगा। ठीक है, हम जो इस फोटो को सेव करके जो लाइट में एप्लीकेशन दोस्तों शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो हम आज जो लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पर आने जो हम लाइट्स पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम इसके जो हाइलाइट्स को थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, और जो है इसके कलर्स पर क्लिक करें, जो मिक्स पर क्लिक कर लेंगे, और जो है हम इसका जो है शेडिंग को थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, और इसके नेमिंग इसको भी। ठीक है, इस टाइप से कर लेना, और इसका जो है शेडिंग को कम, और इसका जो है नेमिंग इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, बल्कि इस टाइप से कर लेना, इसको जो डन कर लेना। ठीक है, और जो हम इफेक्ट पर जाएंगे और जिसके जो विग्नेट को कम कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप जो फोटो को देख सकते हो हमारा फोटो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इस तरह की फोटो एडिटिंग और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं जो लेके आऊँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है।